आजकल जहां देश और प्रदेश में विवाह और शादियों की धूम है, वहीं पर हिमाचल के विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में आजकल नव विवाहित दुल्हा दुल्हन की भरमार है। अपनी प्राचीन परंपराओं के मुताबिक विवाह के बंधन में बनने के बाद नव विवाहित दुल्हा दुल्हन अपने परिवार सहित माता के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। कहा जाता है कि विवाह के सूत्र में बनने के उपरांत नव विवाहित दुल्हा दुल्हन माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं, ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। मां की पूजा अर्चना की जाती है और मां से सुखी विवाहित जीवन का आशीर्वाद लिया जाता है। हालांकि ये परंपरा प्राचीन समय से चलती आ रही है। पूरे परिवार सहित दुल्हा दुल्हन मां का झंडा लेकर मां के दरबार में पहुंचते हैं और फिर मंदिर की परिक्रमा करके मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसके बाद अपने साथ आए सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं और कन्या पूजन करने के उपरांत यहाँ पूजा पाठ पूर्ण हो जाता है। ये प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसका निर्वहन आजकल के युवा भी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही करते आ रहे हैं। माता नैना देवी के दरबार में काफी संख्या में नए श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, जिसमें नई शादीशुदा लोग अपनी शादी की बधाई लेकर माता जी के दरबार में दर्शन करने के लिए आए और काफी संख्या में आज श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आजकल जो है शादियों का सीजन लगा हुआ है, जिस कारण जो है यात्रियों का काफ़ी संख्या में आना शुरू हो गया है और अच्छा देखने को लग रहा है और अच्छी व्यवस्था, सफाई व्यवस्था तथा अन्य सारी व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से व्यवस्थित कर रखी है।